सम्मेलन सरकार उनके लिए व्यवस्था करती है, दो दिन का समय जिला स्तर पर शिक्षकों को इकट्ठा होकर के अपनी बात करें, चिंतन करें, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं, इसलिए किए जाते हैं। दो दिन फिर उसके बाद प्रांत के लिए देते हैं, प्रांत के स्तर पर इकट्ठे होकर के अपनी बात करें, चर्चा करें। आज का यह सम्मेलन बड़ा अच्छा, मेरे को भी बुलाया, अच्छा लगा। शिक्षक अपनी विभिन्न शैक्षिक समस्याओं पर मंथन कर रहे हैं, उनके DPC में प्रमोशन में जो कुछ बाधाएं थी उन पर आज चिंतन हुआ। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार महीने में, डेढ़ महीने में DPC के सारे काम निपटा ले, समय पर पूरा कर दे, ताकि शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिले, वांछित स्थान पर, वांछित पद पर जाने का मौका मिले, क्योंकि शिक्षकों को योग्यता है, प्रमोशन का उनका इंतजार रहता है, और अपनी योग्यता के अनुरूप पद पाने पर कुंठा से दूर होकर के विद्यार्थियों के लिए नवीन ऊर्जा से काम कर पाते हैं। तो हमारा प्रयत्न रहेगा, क्योंकि शिक्षक संघ की मांग थी, कई वर्षों से DPC का काम बाधित था, उसको हम समय पर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और समस्याएं थी शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित, क्योंकि राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है, जब ट्रांसफर के बारे में होगा तो शिक्षकों के ट्रांसफर भी विभाग करेगा। लेकिन चूंकि इस विषय में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ट्रांसफर सरकार का विषय है। शिक्षकों की और छोटी छोटी समस्याएं हैं जो जिला स्तर पर उनका समाधान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम के कार्यालय के माध्यम से, संभाग के अधिकारी के माध्यम से होना है, तो उनके लिए भी शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने बताया था। तो चूंकि समस्याएं जिले से संबंधित है, तो विभिन्न अधिकारी उनका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। मैं तो इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि शिक्षकों को जो भी समस्याएं सरकार के सामने लाई जाएगी, ध्यान में आएगी, उनका पता लगेगा। हम निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में सोचते हुए और शिक्षकों का पक्ष रखते हुए, सुनते हुए उसका समय पर निस्तारण करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के जिला जयपुर का शैक्षिक सम्मेलन हुआ महात्मा गांधी आदर्श नगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इसमें आज मुख्य अतिथि श्री रवि नैयर जी, भाजपा प्रत्याशी विधायक, और OSD सतीश गुप्ता जी, शिक्षा मंत्री जी पधारे। इस पर आज बहुत सारे मंथन किया गया, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी पर, रुकी हुई पदोन्नति को शीघ्र खोलने पर, शिक्षा नीति 2020 पर, गुणात्मक शिक्षा पर कैसे जोर दिया जाए, ऐसे प्रकार के बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। जयपुर के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं पधारे और दो दिन चले गए सम्मेलन। आज पहला दिन था, आज बड़ा उत्साह था, सैकड़ों की तादाद में शिक्षक उपस्थित रहे। मैं मुकेश कुमार मीणा, प्रदेश प्रवक्ता शिक्षक संघ सियाराम। बहुत अच्छा लगा, आज शिक्षक संघ का जिला स्तरीय कार्यक्रम था, सभी शिक्षकगण थे यहाँ पर, और मैं सबसे बातचीत भी की और सबको सुना भी, और वास्तव में जैसे शिक्षक का होना चाहिए वैसा ही देखने को मिला। जो संस्था के अध्यक्ष हैं उनकी बातें सुन के मेरे को मेरा बचपन याद आ गया कि शिक्षक वास्तव में रूप से ऐसा ही होना चाहिए, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज शिक्षक संघ के इस सम्मेलन में मेरे को आने का अवसर मिला। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।